हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी आप लोग की जम के, और करना भी चाहिए। लॉकडाउन है, फ़ायदा उसका उठाना चाहिए, और फुल एनर्जेटिक रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे दम पे लेके चलिए। रीजन क्या है कि आपके फिर एग्जामिनेशंस हैं, डायरेक्ट है, जेई वगैरह एग्जामिनेशन है, उस टाइम आपको नहीं मिलेगा, और आप देख ही रहे हैं दिन पे दिन ये लॉकडाउन में भी पॉसिबल है कि आगे भी बढ़ जाए, है ना। और स्टूडेंट के लिए, स्कूल के लिए, कोचिंग्स के लिए आई होप ये लगता है लास्ट फेज में ही रीओपन होगा, तो इसलिए बी सीरियस होकर के थोड़ी स्टडी करिए। आइए कंटिन्यू करते हैं। पैराबोला का 2 लेक्चर हो चुका था, तीसरा लेक्चर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे लेक्चर में स्टैंडर्ड 4 फॉर्मूला लेते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है कॉर्ड बाइसेक्ट का। पहले हम लोग कॉर्ड का बारे में देखते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है गिवन पैराबोला एस इक्वल टू 0। आपको समझ में आ रहा होगा एस क्या है, यहाँ पर एस क्या है, व्हाट इज एस? पैराबोला का इक्वेशन है एस इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक है, एक्सटर्नल कोई पॉइंट है, दिस इज द एक्सटर्नल कोई पॉइंट्स, द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कैसे निकलेगा, क्या बताया गया था? मैंने आपको याद है बताया था क्या, इक्वेशन ऑफ लर्न करने का तरीका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ सीओसी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, और इक्वेशन ऑफ पोलर। ये तीनों का इक्वेशन क्या होता है, एक ही होता है, टी इक्वल टू क्या, 0। तो नाउ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या निकल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, विल बी क्या, टी इक्वल टू 0। और टी इक्वल टू 0, यू नो टी कैसे निकलता है, टी इज द टेंजेंट, टी इक्वल टू क्या, y by 1 minus 2ax plus x1 equal to क्या, 0। This is the chord of contact. Now equation लेते हैं। Equation of chord of contact क्या बनेगा? ये equation है। Equation of chord of contact क्या लिख देंगे यहाँ पर? s दिया हुआ है, y square minus x, तो s1 आपको पता है क्या हो जाएगा, s1 तो हमें निकालना नहीं है, tangent निकाल लेते हैं। y by 1 माइनस x को क्या लिखेंगे, इसको इस तरह बैलेंस कर लीजिए, by 2, तो x plus x1 this। तो now at point 1 माइनस 2 पर है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 2y माइनस हाफ x प्लस 1 इक्वल टू क्या, 0। तो ये जो आंसर आ जाएगा माइनस 4y माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज द 4y माइनस x प्लस 1, या इसी को थोड़ा ठीक ठाक लिख दीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। फिर हमने आपको लेक्चर में बताया था सर्कल में, बिल्कुल वही टॉपिक है, वही सब कुछ रिपीट हो रहा है स्टैंडर्ड 5 में। बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, बाइसेक्टेड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस कॉर्ड है और ये बाइसेक्ट हो रहा है, यानी ए बी, और यहां पे हमने टी मान लिया, दिस इज द टी x1 और y1। ठीक है, दिस इज कॉर्ड COC बाइसेक्टेड। कॉर्ड को बाइसेक्टेड करेंगे तो कंडीशन याद है, कंडीशन याद होनी चाहिए, क्या फॉर्मूला लिखवाया था, टी इक्वल टू व्हाट, s1। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को बाइसेक्ट करने का जो कंडीशन होगा वो क्या बनेगा, टी इक्वल टू s1। थोड़ा लैंग्वेज दे देते हैं, गिवेन ए पैराबोला, गिवेन ए पैराबोला s इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ
y1 will be t equal to s1, right है? तो यहां पर इसको m मान लेते हैं, तो ये जो इक्वेशन निकलेगा t equal to s1 हो जाएगा। इक्वेशंस ले लेते हैं इसमें, गिवेन ए फोकल कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 8x हैज मिड पॉइंट PQ, तो फाइंड द वैल्यू q स्क्वायर इक्वल टू 4p, ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो फोकल कॉर्ड, फोकल यहां पे दो फोकल कॉर्ड यू नो जो फोकस से पास करे, तो फोकस से पास कौन करेगा, मान लेते हैं ये आप समझ रहे हैं t इक्वल टू s1, व्हाट इज द t, यहां पे मैं लिख देता हूं t इक्वल टू व्हाट s1, यहां पे जो t का रिप्रेजेंटेशन है, s का रिप्रेजेंटेशन यू नो y स्क्वायर माइनस 4s, s1 y1 स्क्वायर माइनस 4x1, t इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y y1 माइनस 2a x प्लस x1, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सेम कंडीशन है सर्कल की तरह। इसमें सिर्फ पैराबोला इक्वेशन मैंने ये स्टेटमेंट आप देखोगे तो मैं सर्कल में भी लिखवाया होऊंगा, सिर्फ पैराबोला की जगह क्या हो जाएगा सर्कल, एलिप्स में जाएंगे पैराबोला की जगह क्या हो जाएगा एलिप्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये जो कंडीशंस निकल के आ रहे हैं, मान लिया ये ऐसे a जीरो, तो इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर 4ax, दैट इज 4a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 2, दैट इज फोकस 2 जीरो, a और b, राइट है। तो क्या हो जाएगा, ए बी इज ए फोकल कॉर्ड, ए बी फोकल कॉर्ड जिनका फोकस क्या है 2 0, एंड एम इज द मिड पॉइंट, मान लिया यहां पर एम है मिड पॉइंट, राइट है, तो मान लिया एम इज मिड पॉइंट ऑन फोकल कॉर्ड, और ये दिया हुआ है मिड पॉइंट कितना PQ, राइट है, तो फोकल कॉर्ड दिस इज द PQ, तो क्या कंडीशन आएगा, इक्वेशन या कंडीशन ऑफ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टेड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टेड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो t इक्वल टू S1, तो यहां पे फ्लाइट करेंगे इसको, किस पॉइंट पे निकालना है PQ पर, रख दीजिए यहां पर, क्या फॉर्मूला बनेगा y y1 माइनस y स्क्वायर 2, ऐसे बनाएंगे 4x तो 4 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 2x को क्या लिखेंगे x प्लस x1, और S1 का मतलब क्या हुआ y1 स्क्वायर माइनस 8x1, अब x1 और y1 के स्थान पे PQ दिया हुआ है, तो यहां पर क्या लिख देते हैं QY माइनस 4x प्लस P y1 यानी Q स्क्वायर माइनस 8P, राइट, तो ये इक्वेशन निकल के आ रहा है, और इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, और फिर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो किससे पास हो रहे हैं 2 0 से, नाउ दिस लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 0, तो क्या हो जाएगा यहां पर 0 यानी ये 0 हुआ माइनस 4 2 प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस 8 पी, दैट इज माइनस 8 माइनस 4 पी
के स्क्वायर माइनस 8t, इधर आएंगे इसको के स्क्वायर और इधर लेके आएगी तो 4p माइनस 8। आइयो दिस इक्वेशन राइट है, या इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं, इसको इधर गया तो पॉजिटिव हुआ 4p, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस में। क्लियर है? तो ये हमारा क्या आया, इक्वेशन ऑफ, इसकी वैल्यू पूछा था के स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 8 के आसपास आएगी। आइए एक सवाल और करते हैं इस पे, क्वाड बाइसेक्ट। फाइंड लोकस ऑफ मीट पॉइंट, फाइंड लोकस मीट पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई इज 90 डिग्री एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्लियर है? यानी ये वर्टेक्स पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन। सिमिलरली पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द फोकल कॉर्ड, लोकस ऑफ मीट पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला वाइल इज 90 डिग्री एट वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स पे है, ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ए बी ओ राइट है। अब हमने यहां पर कोई भी पॉइंट मान लिया जो कि लोकस कह रहा है, तो यहां पर एम मान लेते हैं क्या, एच के। क्लियर? तो नाउ ए बी इज कॉल्ड, लेट ए बी इज कॉल्ड एंड एंगल ए ओ बी 90 डिग्री राइट है, एंड ऑल्सो लेट एम इज मीड पॉइंट ऑफ कॉर्ड एम एच के। क्लियर? नाउ कंडीशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा भाई, टी इक्वल टू वॉट, एस वन कंडीशन, कॉर्ड एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका लोकस निकालना है। आइए स्टार्टिंग करते हैं, तो नाउ पैराबोला का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, 4x, जो जनरली हम लोग जानते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 4x दिया हुआ है, तो यहां पर क्या कंडीशन निकल के आएगी, वाई वाई वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स वन इक्वल टू वाई वन स्क्वायर माइनस 4ax1, जहां पर एक्स वन वाई वन क्या है, यहां पर हमने एच के है, तो आप चाहो तो एच के में चेंज कर सकते हो, तो ये जो इक्वेशन है जो कि लास्ट में चेंज करना ही पड़ेगा, तो मान लेते हैं के वाई टू एक्स प्लस एच के स्क्वायर 4ah ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया दिस वे, तो ये क्या आया, इक्वेशन ऑफ लाइन आया, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, वाई इक्वल टू दिस वे सॉल्व करेंगे इसको, के वाई माइनस 2x माइनस 2h के स्क्वायर माइनस 4ah, इनको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फटाफट नोट करिए। नाउ यहां पर गिवेन ई की वैल्यू दी हुई है 1, ई की वैल्यू पुट करेंगे के वाई माइनस 2x माइनस 2h के स्क्वायर माइनस 4a। नाउ इक्वेशन क्या बन जाएगा यहां पर, के वाई माइनस 2x के स्क्वायर माइनस 2h,
ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो वन इक्वल टू के स्क्वायर माइनस टू एच अपॉन के वाई माइनस टू एक्स, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। तो आपको याद होगा होमोजीनियस इक्वेशन कैसे बनाते थे, जब उसका 90 डिग्री पे बनेगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4x इंटू वन, इसका होमोजीनियस इक्वेशन बना लेंगे, 4x दैट इज 1 की वैल्यू पुट करेंगे के स्क्वायर माइनस टू एच अपॉन के वाई माइनस टू एक्स, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड पैराबोला, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए पैराबोला, ठीक है। तो कोई भी पैराबोला है, लाइन दो तरीके से कट सकते, या तो नहीं करेगा, या तो कट करेगा, या तो टच करेगा। अगर ये हुआ तो इसका डिस्क्रिमिनेंट याद है, डी लेस देन जीरो, इसका ग्रेटर देन जीरो, और ये डी इक्वल टू जीरो। यानी ये जो लाइन के इक्वेशन क्या होना चाहिए, हमने ये मान लिया एम एक्स प्लस सी, और पैराबोला के इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। तो ये क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे वेरिएट करेगा, यानी यहां पे जो लाइन होगा डू नॉट टच एंड कट्स, ये लाइन कट्स टू पॉइंट्स और ये टचेस द पैराबोला, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस पे थ्योरी करते हैं। इसमें हम लोग तीन कंडीशंस वेरिएट करेंगे, तो नाउ लेट मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स एंड लाइन के इक्वेशन वाई इक्वल टू क्या एम एक्स प्लस सी ले लें, या वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले, क्या करें, वाई इक्वल टू एम एक्स या एम एक्स प्लस सी। तो लाइन की इक्वेशन एम एक्स प्लस सी ले लेते हैं, नाउ इक्वेशन वन एंड टू, चूंकि ये इंटरसेक्ट करेगा तो नाउ वी पुट वाई इन इक्वेशन वन, तो क्या बनेगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर फोर ए एक्स, इनको सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम सी माइनस फोर ए एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट, चूंकि इक्वेशन क्या बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक, क्लियर है। तो इनका जो डी है निकाल लेते हैं, डी क्या बनेगा टू एम सी माइनस फोर ए का होल स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां पे डी की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लेके चलेंगे, अब यहां पे डी के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस निकलेंगे, ठीक है। आइए नाउ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ points of intersection, point of intersection, the following conclusion can be drawn। पहला condition है, if
डी ग्रेटर देन जीरो, जैसा मैंने आपको बताया था डी ग्रेटर देन जीरो, देन लाइंस कट द पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको एक रफ मैं स्केच कर देता हूं, दिस इज दिस, दो पॉइंट्स पे ये कट करेगा, ये कब होगा डी ग्रेटर देन जीरो पे। दूसरा पॉइंट आते हैं, इफ डी इक्वल टू जीरो देन लाइन टचेज द पैराबोला एट वन पॉइंट, क्लियर है, जो कि डी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो पैराबोला पे दो पॉइंट पे कट करेगा, तो डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो होगा, तो इसका कर्व कैसे बन जाएगा, दिस इज टच द पॉइंट्स, राइट है, इसको याद रखना, अभी आएगा यूज होगा। तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट किया था, डी लेस देन जीरो देन द लाइन क्या भाई, नाइदर कट्स नॉर टच द पैराबोला। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर दिस, दिस इज द पैराबोला एंड दिस इज द लाइन। ठीक है, यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो, सिमिलर रूल आर एप्लीकेबल फॉर द लाइन एंड एनी टू डिग्री कर्व। अगर कोई भी लाइन दिया रहे, कोई दो डिग्री का कर्व दिया रहे, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेबल। ठीक है, आइए कंडीशन वेरिएट करते हैं। आपको याद होगा जो अभी हमने इक्वेशंस निकाला था, वो इक्वेशंस क्या था, एम वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्या इक्वेशन था यहाँ पे, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, फोर ई एक्स, आईओ पे ही था वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, इनको हम लोग जस्टिफाई कर लेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, इसका डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू एम एक्स सी प्लस सी स्क्वायर फोर ए एक्स, फोर ए एक्स बाहर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहां से डी की वैल्यू हमने निकाल लिया था, टू एम सी माइनस फोर ए का होल स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इनको सॉल्व कर लेंगे, इफ मान लिया डी इक्वल टू जीरो है तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये फोर आ जाएगा, फोर बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा एम सी माइनस टू ए का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इनको ब्रेक कर लेंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर एम सी ए माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये फिर से कैंसिल हो गया, ये फिर कैंसिल हुआ, ए के से कैंसिल हुआ, सी बराबर क्या हो गया एम सी, और यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो गई ए बाई एम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब कब ये कंडीशन क्या लगेगा, दिस जब लाइन कर्व को टच करेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी C equal to A by M. आगे बढ़ते हैं।
जिस तरह आपने देखा कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी का मतलब क्या हुआ, ये लाइन एक एक टाइम के बाद किसी भी कर्व पर क्या करेगा, टेंजेंट बनाएगा, और ये टेंजेंट जो है मान लिया पी है, ये एक्स वन और वाई वन पे टच किया, तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगा वो क्या आएगा, सी इक्वल टू क्या ए बाई एम। और लाइन के इक्वेशन क्या है, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म, तो इन स्लो फॉर्म करेंगे तो y बराबर क्या था एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या ए बाई एम। दिस इज द ईओटी एंड सीओटी कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या बनेगा, ये क्या है ईओटी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सीओटी क्या बन जाएगा, c इक्वल टू क्या ए बाई एम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन सच दैट द वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कट्स द पैराबोला वाई स्क्वायर फोर ए एक्स माइनस ए एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमें कंडीशन निकालनी है अगर कोई भी लाइन इस कर्व को, इस पैराबोला कर्व को दो पॉइंट्स पे कट करता है, क्लियर है, तो कंडीशन निकाल लेते हैं इनका। ये कोई पैराबोला का कर्व है, नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला ईओपी इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर फोर ए एक्स माइनस ए इक्वेशन नंबर वन, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन नंबर टू। तो अभी हमने एक सिमिलर करके लिखवाया था, याद है सिमिलर ऑफ गिवन द फॉर द वन लाइन एंड एनी टू डिग्री ऑफ इक्वेशन, तो नाउ इसका जो रूट्स निकालेंगे तो रूट्स इसका वेरीफाई कर लेते हैं, तो नाउ वी पुट y इन इक्वेशन वन, क्या बनेगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर फोर ए एक्स माइनस ए। कुल मिलाकर के इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करिए इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और इनके फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं, तो फटाफट यूज करिए एम स्क्वायर टू एम एक्स सी प्लस सी स्क्वायर फोर ए एक्स माइनस फोर ए स्क्वायर, तो यहां पर एक एक्स है यहां पे भी है, इनका क्वाड्रेटिक में बना लीजिए 2mc माइनस 4ax c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कुछ इस तरह के इक्वेशन बना। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x कोऑर्डिनेट्स या x फॉर्म, इनका डिफाइन करते हैं, कंडीशन वैसे निकालना ही है। इनका जो डी है, डी याद है बी स्क्वायर फोर ए सी फाइंड करना है, तो यहां से बन जाएगा टू एम सी माइनस फोर ए का होल स्क्वायर फोर ए एम स्क्वायर सी सी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर, ठीक है, ये कंडीशन आया। अब चूंकि लाइंस कर्व्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला, देन क्या कंडीशन होगा, डी ग्रेटर देन जीरो, और ये तो डी यही आया, तो इनको ब्रेक करते हुए चलते दो कॉमन निकाल लेंगे, तो ये फोर बाहर आ गया एम सी माइनस टू ए का होल स्क्वायर फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर फोर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ये ग्रेटर देन कंडीशन आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि लाइंस जो है वो तो कट कर रहे हैं, जब लाइंस कट करेगा
लाइंस अगर किसी कर पे कट करेगा दो पॉइंट पे होगा, यानी कि इनके रियल रूट्स होंगे, जब रियल रूट्स होंगे तो डी ग्रेटर देन जीरो। अगर यही क्वेश्चंस में अगर ये बोल देता ये इमेजिनरी रूट्स को फॉलो करता तो वहां पे डी लेस देन जीरो हो जाता, तो डी ग्रेटर देन जीरो। नाउ वी कैन सॉल्व इट, ये फोर को बाहर कर देंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए एम सी माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ये इक्वेशन कुछ इस तरह निकल के आ रहा है और यहां से कुछ कैंसिल भी हो रहे हैं, एक ये कैंसिल हो गया और फोर भी कैंसिल हो रहा है, पूरा क्या बचा ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। आयो ए भी कैंसिल हो रहा है, ए भी कैंसिल हो रहा है। यहां पर एक तो ये फोर बाहर हो गया ये बच्चा, तो यहां से एक ए भी आउट हो रहा है बाहर, आई होप होना चाहिए, ये कैंसिल हो चुका है, ए स्क्वायर बचा ए एम सी माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर राइट, तो ए के बाहर कर लेते हैं, तो ए बाहर होगा, ए बाहर हुआ तो यहां बचा वन माइनस एम ए माइनस सी एम ग्रेटर देन जीरो राइट है। तो मेरे ख्याल से यही इक्वेशन बचना चाहिए, दिस इज इक्वेशन, यही कंडीशन आएगा, दिस इज द कंडीशन, कंडीशन फॉर रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इस पे एक सम सॉल्व करते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंसेस पे, तो कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी सच दैट द लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बिकम्स ए टेंजेंट to the parabola y square equal to 4ax, y equal to 4ax। तो आइए समझते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं, हालांकि कुल घूम फिर करके उसी जगह पहुंचे ही है, एक बार क्वेश्चन साइड में आए भी हैं, तो इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रही है, कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी सच दैट द लाइन फॉर दिस पैराबोला ऑफ दिस। तो ये आप समझ रहे होंगे कि ये लाइन टेंजेंट है यानी पैराबोला और ये टेंजेंट कुछ इस तरह, तो कंडीशन क्या निकलेगी, d इक्वल टू क्या जीरो, लाइन का इक्वेशन गिवन और पैराबोला की इक्वेशन फॉर एक्स, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, बन जाएगा, कंडीशन निकाल लें अभी आया था c बराबर a बाई एम, पैराबोला की इक्वेशन मालूम है, टेंजेंट ये लाइन है यानी टच करेगा, जब टच करेगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा, मैंने लिखवाया था सेंडर प्रोसेस में ऑलवेज एप्लीकेबल, अगर कोई लाइन हो और कोई टू डिग्री इक्वेशंस कर दिया रहे तो हमेशा उसको फॉर्मेट में तैयार करेंगे क्वाड्रेटिक में। नाउ तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड mx प्लस सी, तो इक्वेशन रख दीजिए 4ax एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर टू एम एक्स 4ax टू एम सी माइनस 4ax बाहर सी स्क्वायर। अब यहां से कंडीशन चेंज हो रही है, लाइन टेंजेंट टू द कर्व, अब ये देखो अंडरस्टूड है, टेंजेंट टू द कर्व का मतलब क्या, लाइन टच हो रहा है, लाइन टचेज द पैराबोला या गिवन द कर्व, ठीक है, तो यहां पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, यानी यहां पे डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से काम चलेगा,
तो यहां पे बी क्या बन जाएगा, यहां पे बी कुछ इस तरह बन जाएगा 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर, 4a यानी m स्क्वायर, c यानी c का स्क्वायर इक्वल टू 0। इनको ब्रेक करिए, 2 को पहले बाहर निकालिएगा, तो 2 को बाहर निकालते हैं ये कटेगा कुछ इस तरह, m स्क्वायर c स्क्वायर 2a माइनस 4c ma माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखते हैं ना, 2 को बाहर निकालेंगे 4 हो गया, ये भी 4 बाहर हो जाएगा, इनको ब्रेक करेंगे कुछ इस तरह आ जाएगा, और ये कैंसिल हो रहा है तो ये 4 भी हटेगा, फिर 4 बाहर होगा, फिर ये के बाहर हो गया, तो सिंपली क्या बना दिस, और c बराबर क्या a by m। पहला कंडीशन यही आपसे पूछा था, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अगर अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी अगर इसी में पूछ देता, लाइन और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट के थ्रू नहीं दे रहा है, लाइन के थ्रू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता, इक्वेशन ऑफ लाइन आपने क्या निकाला था, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू रख दीजिए, दिस में क्लियर है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एनी प्रॉब्लम? चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, टॉपिक्स भी होता रहेगा, लेकिन इस टॉपिक पे अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं वो आप एक बार दो बार चार बार रिपीट करिए, और उस ऑन द बेसिस पे उसी टाइप के क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। कुछ इनका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख देते हैं जो आपको काफी यूजफुल होगा। The condition such that the line, देख लीजिए, the condition, इसको standard form में डाल दीजिए, the condition such that the line y equal to mx plus c becomes a tangent to the parabola y square equal to 4ax is, क्या condition था, c equal to a by m। इस पे questions कर लेते हैं, छोटे questions हैं। Calculate the value of a such that the line 2x minus y plus 5 equal to 0 touches the parabola y square equal to 4ax। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, ये इक्वेशन तो हमें पता है कि पैराबोला की इक्वेशन और इसमें a की वैल्यू आई, इसे हमें फाइंड करना है, ये तो कंफर्म है, लेकिन और आपको क्या पता है, लाइन के इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 5, ये सॉल्यूशन यहां से फाइंड करते हैं, तो y equal to क्या mx plus c, m की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी c बराबर a by m, लिखा है ऊपर c equal to a by m, वैल्यू को पुट कर दीजिए फाइनली आंसर, तो क्या हो जाएगा आंसर, m की वैल्यू, c की वैल्यू 5 है, a हमें निकालना है और m की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10, और यही आपसे पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं सर, एक इसमें कंडीशन पे एक और प्रॉब्लम लेते हैं, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद भी रख सकते हैं और नहीं भी याद रहा तो भी हम लोग डेरिवेशन से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, ये प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो टचेस द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स इफ ln a m square, ln a m square. तो इस सवाल को सॉल्व करने के बहुत से मेथड है. हम लोगों ने भी सर्किल भी कुछ इसी टाइप का दिया रहता था, याद करिए कि लाइन के इक्वेशन और सर्किल के इक्वेशन यहाँ पे चेंज, राइट है. तो यहाँ भी क्या करना है, बिल्कुल पहले लाइन को इक्वेशन को हम लोग चेंज कर लेंगे, एम वाई माइनस एल एक्स माइनस एन वाई माइनस एल अपॉन एम दिस, और इसको बिल्कुल इस फॉर्म में चेंज करेंगे एम एक्स प्लस सी, राइट है. तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी निकालेंगे, C बराबर a बाय m, तो C यहां पर दिया हुआ है माइनस n बाय m, a यहां पर a है और कैपिटल M क्या है माइनस l बाय m, राइट है. तो इनको मल्टीपल करा लीजिए, बचा क्या माइनस माइनस पहले खत्म करेंगे, तो n अपॉन m, m ऊपर शिफ्ट हुआ और l यहां बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा एनएल एनएल और यहां पर एम स्क्वायर. तो ये एक तरीके का ये आपका जस्ट लाइक टू बी फॉर्मूला है एक तरीके से, ये समझिए. क्योंकि वहां पे हमने लाइन इक्वेशन, अब जो लाइन लिया तो वाई इक्वल टू क्या था एम एक्स प्लस सी था, और यहां पर लाइन की इक्वेशन क्या दिया है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन है, और पैराबोला की इक्वेशन ये है, ठीक है. तो अब आप होमवर्क में लिख लीजिए इसको, आप अपने से डू यू सेल्फ. यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स हो, लाइन का इक्वेशन ये दिया हो, एक्स स्क्वायर फोर ए वाई हो तब क्या कंडीशन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए वाई हो तब क्या कंडीशन होगा, ठीक है. तीन तीनों के लिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए भी सॉल्व करिएगा, और दूसरा और ये तो हमने दिया ही है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन के लिए भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है. आइए एक और पढ़ लेते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर लेते हैं. एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा यहां पे, फॉर द पैराबोला y square equal to 4ax, the equation of tangent of slope m is क्या होनेगा, y equal to mx plus a by a, ये हम लोगों ने प्रूफ किया था, and the tangent touches the parabola at the point a by m square 2a upon m. ये कुछ इस तरह बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन का फॉर्मेशन है, ठीक है. तो इनको समझते हैं कौन पॉइंट कहां पे लगेगा. सपोज दिस इज द पैराबोला एंड This is the equation of tangent, right? Or y x. This is the point P ले लिया. और ये जो equation point of contact है, ये क्या है भाई? This is a upon m square to a by m. और ये जो line है, वो line क्या है? Y equal to mx plus क्या? A by m. और यही लाइन तो है एम एक्स प्लस सी, और जहां पर सी दिस, तो सी ओ टी
कंडीशन फॉर टेंजेंसी ए बाई एन, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पीओसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। और इसी को और भी नाम से जानते हैं, पता ही होगा, स्लोप पॉइंट। ये स्पेशली कंडीशन फॉर टेंजेंसी के लिए आता है, और आपको याद होगा तो हमने सर्कल में भी यही काम बताया था, पीओसी, स्लोप पॉइंट, और भी एक नाम से जानते हैं, एम पॉइंट्स। क्लियर है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्लोप पॉइंट्स हैं, एम पॉइंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर कभी कभी क्या होता है, ये पॉइंट्स भूल जाता है, तो अगर आप इसको दिमाग में रखें, ए अपॉन एम स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा, यानी क्या, टू ए अपॉन एम बन जाएगा। तो इसको इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं रहेगा। और सिमिलरली यही कंडीशन अगर आप चाहते हो कि कैसे आया, तो ऊपर के तो क्वेश्चन मैंने बता चुके हैं, तो यहाँ से अपने को ये पता है वाई इसके बराबर क्या है, फोर ही एक्स है, और वाई बराबर एम एक्स प्लस सी है, तो ये लिख सकते हैं ऐसे, वाई बाई सी अपॉन क्या, एम, इक्वेशन वन एंड टू पुट कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर फोर ए, एम का सॉल्व करिए, ठीक है। ये आपको ये कंडीशन याद रहना चाहिए, और ये बाई चांस अगर ये मिसिंग होता है तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, जी वे में ए बाई एम स्क्वायर टू ए अपॉन एम। आइए इसको देख लेते हैं कहां से आया, ये यहां तक तो पहुंची है, इसको फिर से सॉल्व करिए, एम वाई स्क्वायर, और यहां से हम लोग पुट कर लीजिए सी की वैल्यू क्या, ए बाई एम, एम स्क्वायर वाई फोर ए एम, फोर ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये क्या बनेगा, एम वाई माइनस टू ए का होल स्क्वायर, तो एम वाई माइनस टू ए बराबर जीरो, वाई बराबर टू ए बाई एम, वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए बाई एम, आ गया, कोऑर्डिनेट से बन गया। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, यही तो था, वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको इधर लाइए, तो यहां से x की वैल्यू आ गई a अपॉन क्या, एम स्क्वायर, और वेरी इंपॉर्टेंट आ गया, x बराबर a बाय m, a बाय m स्क्वायर, एंड y इक्वल टू टू ए बाय m, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट है, पी ओ सी क्या होना, a अपॉन m स्क्वायर टू a बाय m। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चंस लेते हैं इस पे भी, किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर्स का, खास तौर से इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के बाद से हम लोग सर्कल वो टेंजेंट पे, सर्कल में, पैराबोला में, आगे भी ऑनवर्ड्स एलिप्स हाइपरबोला देखने को मिलेगा। ये टॉपिक आपका हमेशा मिलेगा, याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ से ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है, किसका, पेयर ऑफ टेंजेंट का, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, इसलिए बीच बीच में जो हल्के फुल्के टॉपिक्स हैं उनको लेते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चंस कर लेते हैं, स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व एक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
and also find the coordinates of point of contact. Points of contact का coordinate निकालना है, तो इनका figure आप first time draw करने की कोशिश करिए, कैसे इनका figure बनता है. क्या बोल रहे हैं, पैराबोला हमने बना लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट तो ड्रॉ करिए. फिर क्या कह रहा है, इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेगा, क्या सोच रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग होनी चाहिए. पहली बात तो थीटा, तो यहां से हम लोग को अगर एंगल दिया तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अरे यार ये तो स्लोप की बात कर रहा है, तो टेन सिक्सटी लगा दीजिए. और टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री, तो हमें यहां से पता चल गया लाइन का इक्वेशन एम एक्स प्लस सी डेट इज रूट थ्री एक्स प्लस सी, राइट है. अब हमें सी की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा. सी की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, कंडीशन फॉर बोलिए रूट थ्री एक्स प्लस सी का मतलब क्या हुआ, ए बाई एम, याद है ना, सी ऑफ टी कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ए बाई एम. और ए की वैल्यू हमें पता है वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 12x, तो ए की वैल्यू 4a बराबर 12, ए की वैल्यू 3, तो ये क्या बन जाएगा, रूट थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन रूट थ्री. इनको और सॉल्व करिए, रूट थ्री एक्स प्लस क्या, रूट थ्री. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. लेकिन हमें पता क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पीओसी. ये निकल गया, पहला सवाल निकल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पहला फाइंड हुआ. दूसरा ई पीओसी पूछ रहा है, तो पीओसी का फॉर्मूला अभी मैंने पूरा प्रूफ कराया है, याद होना चाहिए. पीओसी बोलिए क्या होगा, ए अपॉन एम स्क्वायर टू ए बाई एम. दिस ए यहां पर क्या है, थ्री, एम स्क्वायर, एम की वैल्यू रूट थ्री, तो थ्री टू इंटू थ्री रूट थ्री, ये कटा तो वन क्या टू रूट थ्री, यही आंसर आएगा, वन टू रूट थ्री, दिस इज द आंसर. ओके, चले आगे बढ़ते हैं. जरा कंबाइंड क्वेश्चंस लेते हैं, सर्कल पे और पैराबोला दोनों मिला करके क्वेश्चंस करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर कॉमन टेंजेंट पे एक सवाल ले लेंगे. ये आपके मॉडल का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द स्ट्रेट लाइंस टचिंग बोथ. इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बराबर 8ax. दो मिनट ट्राई करिए. आई होप क्लियर है, सॉल्व हो गया. चलिए आगे ट्राई करते हैं. तो फर्स्ट टाइम तो इनका सेंटर 0 0, इनको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए.
ताकि कुछ पिक्चर क्लियर हो जाए। इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो सेंटर इनका 0 0 हुआ और रेडियस क्या हुआ, रूट टू ए। ये पहला पड़ाव पार। दूसरे पड़ाव में आते हैं वाई स्क्वायर फोर ए, यानी इनको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। तो फिगर इनकी बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये और ये दोनों का, एक का वर्टेक्स भी 0 0 है और एक का सेंटर भी 0 0 है, तो ये कुछ इस तरह जाएगा, राइट है। तो कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरह बनेगा, क्लियर। तो अगर अब आप समझ रहे होंगे, दिस ये रेडियस हो गया ए रूट टू और ये 0 0 और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर हुआ, क्लियर है। इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर हुआ और दिस लाइन इज बोथ कॉमन टेंजेंट, बोथ कॉमन टेंजेंट सी टी, बोथ कॉमन टेंजेंट, सर्कल एंड पैराबोला। तो अगर हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें, तो काम आसान हो सकता है। और वही बोल भी रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन टचिंग बोथ। तो आइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जरा बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से काम आसान हो सकता है, और अभी हम पैराबोला के बारे में जानते हैं ये सब कुछ। तो नाउ ई ओ टी फॉर पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला क्या होता है, y equal to mx plus c, और c के बारे में हम जानते हैं a by m। अब यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना इंपॉर्टेंट है, आप जरा सुनिए। a by m किसके लिए था, जब y square equal to 4ax था। यहाँ पर क्या है, y square equal to 4 this ax, तो a ये हुआ, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, बोलो 2a upon m, क्लियर है। अब हमें स्लोप के बारे में पता होगा। देखिए यहाँ पे एम की क्वाड्रेटिक बनेगा, दो वैल्यू आएगी, तो टेंजेंट जो है अपर से भी टच हो सकता है टेंजेंट और लोअर से भी हो सकता है, यानी यहाँ पे एम की दो वैल्यू आएगी। तो चलिए एम स्क्वायर एक्स माइनस एम स्क्वायर इधर आएगा एम वाई प्लस टू ए इक्वल टू जीरो। अब ये लाइन के इक्वेशन आ गया। अब दिस लाइन, इस लाइन पर सर्किल के सेंटर के थ्रू परपेंडिकुलर है। आइए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है, आई होप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। अब ये लाइन के इक्वेशन हमें पता है, ठीक है। तो नाउ क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 0 0 इक्वल टू किसके, रेडियस के। तो यहां से इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं, मॉड में रहेगा ये 0 ये 0 टू ए अपॉन अंडर रूट, बोलो भाई एम की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ए रूट टू, सही है, ए रूट टू। इनको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट गायब करेंगे तो 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 2 और इधर m की पावर 4 m स्क्वायर और a स्क्वायर ये कटा ये 2, तो बचा क्या m की पावर 4 m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इनका फैक्टर करते हैं, इनका फैक्टर क्या आना चाहिए, m स्क्वायर प्लस 2 और क्या एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2, ओके। यहाँ पे हो सकता है एम स्क्वायर प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ये इमेजिनरी आ जाएगा, और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, एम की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1, तो एम की दो वैल्यू आ गए। दिस इज द कॉमन टेंजेंट, दिस इज द कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट आ गया एम की वैल्यू प्लस माइनस 1। एक बार पॉजिटिव में रखिएगा तो ये क्या आएगा एक्स माइनस वाई प्लस टू ए इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो एक्स प्लस वाई प्लस टू ए इक्वल टू जीरो,
दिस इज द कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ कर्व. ओके ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही. अब इस पे आप थोड़ा सा एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ एक बार अपने से लिख डालिए, अच्छे से कर डालिए, ठीक है. और बुक्स उठाइए और मॉडल भी उठाइए, आपके पास जितनी भी पढ़ने की जितनी भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनको सब लेकर के बैठिए और पैराबोला की जितनी भी स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी हो चुके हैं उसको आप एक बार अपडेट कर लीजिए. रोज कोशिश करेंगे 1-1.25 घंटे का वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए. बोर बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है. थोड़ा एक बार नोट्स अपना बना लेंगे तो उस पर फिर आगे भी आपको स्टडी करने में हेल्प मिलेगा.